नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड दिल्ली स्टूडियो से, मैं हूं मिहिर भट्ट। आज सुबह दिन जब शुरू हुआ तब जो रंग था स्क्रीन पर और तब जो माहौल था उसके मुकाबले 1% की गिरावट के साथ भी निफ्टी बेहतर दिख रहा है, या फिर सेंसेक्स 1% के नुकसान के साथ बेहतर दिख रहा है, और वो इसलिए क्योंकि मार्केट्स ने निचले स्तरों से शानदार रिकवरी दिखाई है। जी हाँ, अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। एक बार इंट्राडे चार्ट देख लेते हैं सेंसेक्स और निफ्टी का। आज जो लो सेंसेक्स ने हिट किया था वो था 33,482 का, और इस समय ये ट्रेड कर रहा है 34,429 के लेवल पर, यानी ऑलमोस्ट 950 पॉइंट्स की रिकवरी यहां पर सेंसेक्स ने दिन के निचले स्तरों से दिखाई है। निफ्टी को अगर हम देखें, इसने आज 10,276 का लो हिट किया था और फिलहाल ट्रेड कर रहा है 10,560 के लेवल पर, तो यहां पर भी अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। अच्छी चीज़ ये है कि ये जो रिकवरी है ये सिर्फ सेंसेक्स और निफ्टी तक सीमित नहीं है, ये मिड कैप पर भी हुई है, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स का जो लो था आज का वो था 18,701 का, और फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है 19,471 पर, तो अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पर भी। और निफ्टी बैंक को अगर आप देखें, यहाँ पर अब बस 0.5% की गिरावट बची है। इसने जो लो हिट किया था वो था 25,023 का, लेकिन 25,000 के लेवल को इसने बखूबी डिफेंड किया। इस समय अब देखिए ट्रेड कहाँ पर कर रहा है, 25,942 के लेवल पर, यानी जो सबसे स्ट्रांग रीबाउंड देखने को मिला है वो दरअसल निफ्टी बैंक पर देखने को मिला है। और साथ ही ओवरऑल भी अगर आप देखें, आप डाउ फ्यूचर्स को देखिए, नैस्डेक तो पहले ही हरे निशान में लौटा था, लेकिन डाउ फ्यूचर्स भी दिन के दौरान हरे निशान में लौटा, जबकि डाउ फ्यूचर्स का जो ओवरहैंग था वो एशिया के बाकी मार्केट्स बंद होने तक वहाँ पर अच्छा खासा रहा, और उसका इम्पैक्ट देखने को मिला था सारे ही एशियन इंडाइसेस पर जो कि बंद हो चुके हैं। तो इसी वजह से हमने देखा कि जापानीज निकाय में या फिर हांगकांग के हैंगसेंग में हमने 5-5% का ड्रॉप देखा, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि एशिया के जो बड़े बाजार हैं उसमें भारतीय बाजार सबसे आखिर में बंद होने वाले मार्केट्स में से एक है, तो जो रिकवरी या फिर रीबाउंड US फ्यूचर्स में देखने को मिला वो भी इंडियन मार्केट में प्ले आउट हुआ, और रिकवरी क्या शानदार है। अब देखिए डाउ फ्यूचर्स, कौन कहेगा कि यही डाउ फ्यूचर्स एक समय 600-700 पॉइंट नीचे चल रहा था, अब ये 150 पॉइंट ऊपर है। सिमिलरली नैस्डैक को आप देखिए, ये भी 75 पॉइंट ऊपर है, यानी 1% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब यूरोपियन मार्केट्स को हम देख लेते हैं, बिकॉज यूरोपियन मार्केट्स में भी हमने सुधार देखा, तो अब जो नुकसान देखने को मिल रहा है यूरोपियन मार्केट्स पर वो 1-1.5% के आसपास का है, लेकिन ये मत भूलिए कि ये कल रात का जो US का फॉल था उसे प्राइज इन कर रहा है, लेकिन यूरोपियन मार्केट्स बंद होंगे तब तक यहाँ पर भी कुछ हद तक रिकवरी की उम्मीद बनी हुई है। अब एक बार देख लेते हैं इंडिया विक्स कहां पर है, और साथ ही इस समय मार्केट की ब्रेथ कैसी है, बिकॉज आज सुबह बाजार खुले थे तब तो ब्रेथ देखने लायक थी ही नहीं, लेकिन इस समय मार्केट में ये रहा एडवांस डिक्लाइन, जहां निफ्टी में एक भी स्टॉक हरे निशान में नहीं था बाजार खुलने के बाद काफ़ी लंबे अरसे तक। अब 6 काउंटर्स हैं जो कि बढ़त में हैं, और सेंसेक्स पर 4 काउंटर्स बढ़त में हैं, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में आप देखिए BSE पर अब 450 काउंटर्स हैं जो कि बढ़त में चल रहे हैं, और NSE पर भी बढ़ने वाले काउंटर्स की संख्या थोड़ी बढ़ी है, लेकिन ट्रेड अच्छा खासा हुआ है। आज ये जो वॉलेटिलिटी हुई है उसमें वॉल्यूम्स में बहुत स्पाइक देखने को मिला है, और टोटल टर्नओवर जो है वो 5,00,000 करोड़ के पार का देखने को मिला है मार्केट्स में। लेकिन सुबह जो स्पाइक देखने को मिला था इंडिया विक्स में वो थोड़ा सा कूल ऑफ ज़रूर यहाँ पर हुआ है, और इसी के चलते अब ये देखना होगा कि मार्केट यहाँ से कैसे बिहेव करता है। विजय चोपड़ा हमारे साथ हैं और सुमित बगाड़िया भी हमारे साथ मौजूद हैं, शुक्रिया आप दोनों का इस बातचीत में शामिल होने के लिए। लेकिन विजय, पहला सवाल आपसे, आज चलिए रीबाउंड आ गया मार्केट में, लेकिन जो असली टेस्ट है मार्केट का US में भी और इंडिया में भी वो तो यही होगा कि ये जो रिकवरी है इज इट गेटिंग सोल्ड इनटू, बिकॉज कई बार जब बहुत सीवियर सेल ऑफ मार्केट में आता है उसके बाद जो रिकवरी आती है मार्केट में उसमें यही होता है दैट इट गेट्स सोल्ड इनटू। आपका व्यू क्या है? प्रोबेबिलिटी है कि जहां पर भी लोगों को थोड़े ऊंचे भाव मिले तो वो बेच के निकलेंगे। बहुत सारे लोगों का एक व्यू बन गया है अभी हाल फिलहाल में कि सेल ऑन राइज है मार्केट्स, और देयर इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट ब्रेकडाउन इन इंडियन मार्केट्स। बट मेरा कुछ ऐसा सोचना है कि जब ऐसी गिरावटें आती हैं तो वो मार्केट्स को हेल्दी करके जाती हैं। नो डाउट इस बार कुछ मिला जुला असर था इंडियन बजट का, जो नॉन डिसाइसिवनेस थी पॉलिसी पे उसका, और ग्लोबल फैक्टर्स का। हम ये भी देख रहे थे कि
बॉन्ड यील्ड्स के स्पाइक करने से यूएस में जो गिरावट आई, और आज भी जिस तरह से स्मार्ट रिकवरी डाउ ने दिखाई, तो हमारे मार्केट्स भी कहीं ना कहीं रिकवर होते दिखे। बट मुझे ये भी लगता है कि एक रियल रिकवरी ना हो इसके भी चांसेस हैं। कई बार शॉर्ट कवरिंग होती है विच इज़ नॉट एक्चुअली रियल रिकवरी। तो अभी मार्केट्स को बहुत सारी चीज़ें टेस्ट करनी हैं। अभी क्रेडिट पॉलिसी एक इवेंट है जो कि हमारे लगभग सिर पे ही है, और हमें यह देखना होगा कि आरबीआई का क्या स्टैंस है ऐसे बजट के बाद, कि आरबीआई को क्या लगता है और किस तरीके का टोन होता है, क्या वो डविश है या हॉकिश है, क्या इंटरेस्ट रेट्स हार्डन करने की बात होगी आने वाले समय, तो उसकी पेस क्या होगी, स्पीड क्या होगी, कितना वो इंडस्ट्री सेंट्रिक पॉलिसी देते हैं, क्योंकि इस समय पर यदि देखें तो इंडस्ट्री एक ब्रिंक पे है। वो चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट मिले, क्रेडिट ऑफटेक बढ़े, और बैंकों में भी जो काफ़ी हद तक जो बैड ब्लड था वो निकल चुका है। तो आई थिंक कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है, तो उसका भी इंतज़ार करना ज़रूरी है। बट इस पुलबैक को, स्मार्ट पुलबैक को कृपया रिकवरी ना समझें, हो सकता है कि यहाँ से फर्दर गिरावट गहराए। बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ और एक खास मेहमान जुड़े हैं। हमने कल भी इनसे बात की थी, लेकिन हमें लगा कि आज क्योंकि मार्केट में इतनी गिरावट देखने को मिली है तो फिर से क्यों ना उनसे बात करें। तो हमारे साथ जिम रॉजर्स जुड़े हैं, जो कि चेयरमैन है रॉजर्स होल्डिंग्स के। जिम, हाय, मिहिर हियर, कैन यू हियर मी? आई हियर यू फाइन, कैन यू हियर मी? या या, आई कैन हियर यू वेरी लाउड एंड क्लियर। वी हैड अ चैट यस्टरडे ओनली, बट आई डिडंट नो दैट यू विल बी सो बैंग ऑन दैट यूएस मार्केट्स विल गिव अवे 5% ऑफ देयर गेन्स इन वन डे ओनली। यू मेंशन 10% ड्रॉप, 5% ड्रॉप्ड यस्टरडे इटसेल्फ। Well, it's only because I learn everything from Zee Biz. You know that. that's so nice of you. But, I mean, see, we have on the intraday basis also, if we see, we have seen a rebound in Dow futures. And before you joined us, what we were trying to figure out was that will this recovery get sold into? Because typically that happens, you know, in a heavy sell-off. Whenever market recovers, typically it gets sold into. What is your view? Now, you know, I'm the world's worst market timer. I'm no good at short-term trading. But what I expect to happen is that the market will be weak throughout February, March, maybe into March. Once the Federal Reserve raises interest rates, the markets will start rallying. And then we have to decide what to do next. Mm. Part of the reason the markets are going down now is that, well, first, they went up so much for so long with no correction. It's well overdue for a correction, as we discussed. Now we're going to have the correction until they raise interest rates. People will buy on the news, and then we'll have to figure out what to do next. Just watch Zee Biz. You don't need to talk to me. That's true. Jim, also, you know, lately in last maybe one, and you have seen markets for many decades now, but in last 1 or 2 years, the typical tendency of all large markets globally, including India, US, Hong Kong, the typical tendency is that the corrections have been very sharp, but very short-lived. You expect this trend to continue? It depends on how you consider short-lived and sharp. As I said, I expect the markets to be weak in February, into March, until they raise interest rates, and then we'll start rallying again. But the next time we have a bear market, I want to remind you, it's going to be the worst in your lifetime. We haven't had a bear market since 2009. That's 9 years, which is very much longer than historically the way things work. And then 2008, we had a problem because of too much debt. Well, you know as well as I that the debt is much, much, much higher everywhere in the world now, even in China, which had virtually no debt last time. So the next time we have a problem, it's going to be terrible. You better watch Zee Biz. And to survive. That's, again, I would like to thank you for that. That's so nice of you. What is the probability of a next serious global slowdown or a meltdown originating from China? Because there have been concerns in China about the kind of credit rating that they are managing, about the kind of debt they are running, about the so-called management of the books, which is happening in Chinese banks. China had no debt for many decades. I mean, nobody would lend money to Mao Zedong, so they didn't have any debt for a long time. Now they do. And you're going to see some bankruptcies coming out of China, which is going to surprise a lot of people, including me, and I know it's coming. Yes,
The Chinese have built up a lot of debt fast. They don't know how to handle debt. They don't have experience in debt. So yeah, but whether it starts in China, I don't know. It usually starts in some place where people are not looking. Mm. You know, you remember before, it started in Iceland. People said, what? We didn't know Iceland could go broke. And then Ireland went broke, and then Bear Stearns went broke, and then Lehman Brothers went broke, and everybody said, oh, there's a problem. So it usually starts someplace we're not watching and snowballs. Hmm, that's true. But Jim, can we safely say that for the time being, you know, for next maybe couple of years, the best performance of the US and, I mean, obviously the global markets is behind us? Can we safely assume that, that we have seen the best of the bull run now and it's behind us? Well, the market's been up for 9 years. So yeah, the best is behind us. That does not mean there cannot be a very nice leg up here at the end. You remember 1999, I don't know if you remember, but in 1999, yeah. You know, NASDAQ tripled in like something like 8 months, 9 months. True. At the very end. Yeah. The market been going up since 1982, been up for 17 years, a few corrections along the way. But then in 1999, it had this wild explosion, and that was the end. So it might happen again. I don't know. I'm not smart enough to know. Mm. But would you want to maybe park some of your money in a safe haven, let's say a gold or something of that sort? I'm not buying gold. I own gold and have for a long time. I haven't bought any serious gold in 8 years. But if and when gold goes down a lot, my plan is to buy a lot of gold, because before this is over, gold is going to turn into a bubble itself. It's going to get very overvalued. When turmoil comes, people are going to be desperate for some place. Gold will turn into a very overpriced asset at that time. So I plan to buy a lot more, but not for a while. One last question, Jim, and I asked you this yesterday as well, but I didn't know that overnight Bitcoin will crash the way it did. And I think it's going to crash more. Is that correct? Well, my answer is today is the same as yesterday. I don't own any Bitcoin. I'm not going to buy any Bitcoin. A lot of those things are going to disappear, just like has happened in every other new asset and every other bubble. I don't know I do know that money is going to be on the computer in the future and on the internet in the future. I suspect it will not be Bitcoin or any of the others. I'm not buying them. Absolutely. All right, Jim, thank you so much for joining us. Pleasure having you on the show as always. And thanks for appreciating Zee Biz. Thank you so much. हमारे साथ अजय बग्गा भी हैं और साथ ही सिद्धार्थ सिद्धानी भी हमारे साथ जुड़े हैं. विजय चोपड़ा हैं और सुमित बगाड़िया भी हमारे साथ मौजूद हैं. बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का. अजय, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले क्विकली सुमित, एक टेक्निकल चेक आपसे. जो रीबाउंड देखने को मिला है नाउ, टिपिकली इस तरह के मार्केट में जो होता है कि गिरावट में भी कोई पैसा बना नहीं सकता है और जो रीबाउंड आता है उसमें बनाना मुश्किल हो जाता है. आपने क्या ट्रेड रेकमेंड किया आज? बिल्कुल मेहर, बहुत टफ हो जाता है इस तरह के मार्केट्स में ट्रेड करना कि जब 300-300 पॉइंट से गिरावट देखने को मिलती है, फिर सडन 2 घंटे 2.5 घंटे के अंदर हमें 150-200 पॉइंट से रिकवरी देखने को मिलती है. लास्ट 3 दिनों में वॉलीटिलिटी बढ़ी है और ऐसा लगता है आने वाले दिनों में वॉलीटिलिटी ऐसे ही देखने को मिलने वाली है. फिलहाल आज के दिन की अगर बात करते हैं तो 10-300 का इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स था निफ्टी के लिए और वहीं से मार्केट ने रिकवरी और पुलबैक दिखाया है. उम्मीद यही है कि रिकवरी और ये पुलबैक सस्टेन करेगी. मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से इमीडिएटली 10-600, 10-650 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं और ये जो वीकनेस का ट्रेंड है, ये 10-700 का लेवल एक बार टूट जाएगा ऊपर में तो फिर ये स्टॉप हो जाएगा और फिर से हमें दोबारा से तेजी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है. अगर यहाँ से वापस से कोई 100-150 पॉइंट की गिरावट मिलती है वॉलीटिलिटी के चलते, 10-450 तक के लेवल्स अगर देखने को मिलते हैं निफ्टी के अंदर, सारे ही स्पॉट लेवल्स मैंने कहे हैं, तो उसके आसपास बाइंग करें एक बार, क्योंकि मेजर सपोर्ट निफ्टी का 10-300 है. जब तक वो टूटेगा नहीं तब तक आप फ्रेश सेलिंग तो नहीं करनी है. सुबह से हमने क्लाइंट्स को भी यही रिकमेंड किया है. आई थिंक फिलहाल प्रेजेंट लेवल से कोई भी छोटी सी गिरावट आती है तो बाय करके काम करें. ऊपर में 10-650 से 10-700 का निफ्टी का इमीडिएट टारगेट बनेगा और वैसे भी जो ये फॉल आए हैं ये ग्लोबल मार्केट्स को देखते हुए आए हैं. जैसे ही ग्लोबल में रिकवरी देखने को मिली तो हमें इंडिया में रिकवरी देखने को मिल गई. अगर 2-3 दिन भी ग्लोबल मार्केट सस्टेन कर गए तो इंडिया मार्केट्स में शार्प रिकवरी देखने को मिलेगी. बिल्कुल. तो अजय, ये सवाल फिर आपसे है, जैसे सुमित कह रहे हैं कि आज ग्लोबल मार्केट्स में जो रिकवरी थी वो इंडिया में भी प्ले आउट हुई, तो अजय क्या फिर हम ये माने कि जो LTCG था उसका पेन मार्केट ने पूरा प्राइस इन कर लिया? जी, काफी हद तक मेहर. LTCG अब यू नो प्राइस्ड इन है. लोग टैक्स के लिए आप क्या कह सकते हैं, वो तो
हाकिमों का एक परक्विजिट है, वो लगा सकते हैं टैक्स कभी भी। जो बाजार को पसंद नहीं आया जिस तरह के वक्तव्य किए गए कि जो शेयर मार्केट में पैसे बनाए जाते हैं वो बिना काम के बनाए जाते हैं। हम लगभग 13 से 15 घंटे काम करते हैं दिन के, मेहर 7-8 घंटे तो पढ़ाई करनी पड़ती है, मैनेजमेंट्स को मिलना पड़ता है जाके, और यू नो किसी तरह हम मीडिया के लिए भी टाइम निकालते हैं ताकि निवेशकों को हम सिखा सकें ठीक तरह से कैसे निवेश करना है। तो ये ब्यूरोक्रेट्स आके इस तरह के बयानबाजी करते हैं वो कुछ अच्छा नहीं लगा। ठीक है, आपको टैक्स लगाना है आप लगाइए आके, बट जिस तरह से इस टैक्स को इस टैक्स का एक जस्टिफिकेशन किया गया, और जब एसटीटी की बात उठी बोला कि सिर्फ 9,000 करोड़ तो है एसटीटी, तो एलटीसीजी टैक्स भी तो सिर्फ 20,000 करोड़ ही है, 24 लाख करोड़ की रेवेन्यू में कोई इतना अंतर नहीं है उससे। तो ओवरऑल मार्केट ने पचा लिया और डोमेस्टिक हानि इतनी हुई कि सब भूल गए कि बजट भी कोई चीज था। अब लोग आगे ही देख रहे हैं, जब तक ग्लोबल मार्केट्स नहीं रिकवर करते हमारे मार्केट्स भी रिकवर करने मुश्किल हैं। और अच्छी बात यह है कि यूएस मार्केट्स दिखा रहे हैं कि कुछ या तो शॉर्ट कवरिंग आ गई या फिर कुछ खरीदारी आई है लोअर लेवल्स पे, और फ्यूचर्स जो यूएस मार्केट के हैं माइल्डली फ्लैट से पॉजिटिव हुए, उसके चलते हम देख रहे हैं यूरोपियन मार्केट भी थोड़े संभले और भारतीय मार्केट में भी एक उछाल आया। बिल्कुल, आपने जो बात कही ना अजय, इनफैक्ट ये सवाल मैंने पूछा भी था वित्त मंत्री से इंटरव्यू में, और उनका यही कहना था कि 1 लाख से ऊपर का गेन इस मार्केट में जिन लोगों को हुआ है वो बड़ा ही प्रीमियम तबका है, और उनको टैक्स करने में सरकार को कोई हिचकिचाहट नहीं है। एक बार सुनते हैं उन्होंने क्या कहा, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ फिर से, सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। सर, एक कम्युनिटी बड़ी नाराज है आपसे जो कि अक्सर बिजनेस चैनल देखती है, वो कैपिटल मार्केट्स, स्टॉक मार्केट। उनकी शिकायत यह है कि एलटीसीजी आ गया, ठीक है 10% है, रीजनेबल है क्योंकि डिस्काउंट वहां पर मिला है उन्हें, लेकिन एसटीटी हटा नहीं। जब एलटीसीजी हटाया था तो ये वादा था कि एसटीटी इसलिए हम ला रहे हैं। देखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जब था तो उसके साथ साथ भी एसटीटी था, तो दोनों साथ थे। ट्रांजैक्शन टैक्स अलग प्रकार से होता है, लेकिन एक बार हम लोगों ने इसको लागू किया है, इसको लागू करके देखिए, एक कंसेशनल रेट दिया है और छोटे जो निवेशक हैं उनको हमने एग्जेम्प्ट कर दिया, जो 1 लाख तक को आते हैं, केवल उससे ज्यादा कमाने वाले इसके अंदर आएंगे। और मैं मानता हूं कि इसमें कमाने वाले वो हैं जो समाज का क्रीमी लेयर है पैसे वाला, और इसलिए उनको टैक्स देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। और न्याय की दृष्टि से भी ये न्याय संगत है कि जो बहुत संपन्न है वो टैक्स एग्जेम्पशन मांगे, ये अपने आप में उचित नहीं है। लेकिन आज जब ग्लोबल मार्केट्स में मेल्टडाउन था और भारतीय बाजार सुबह भारी गिरावट के साथ गिरे, तो उसके बाद सरकार भी डिफेंस में आई, और हसमुख आदिया रेवेन्यू सेक्रेटरी, इन्होंने ये कहा कि जो गिरावट मार्केट में इस समय देखने को मिल रही है उसके लिए सिर्फ एलटीसीजी को दोष देना सही नहीं है, ग्लोबल मार्केट्स में भी टर्मोइल है जो कि इंडिया में भी दिख रहा है। ऑब्वियसली देयर इज अ रिपल इफेक्ट ऑफ व्हाटएवर हैपेंस इन द वर्ल्ड ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट आल्सो, सो दैट इफेक्ट इज मोर और मोस्ट ऑफ इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दैट ग्लोबल थिंग, अदरवाइज the Sensex and NSE would have come down on the first day itself, but nothing happened on that day. But second day onward, the effect of other markets mellowing down came on the our market. And even still, in spite of other markets slowing down, still there is a attraction of FII for Indian market, which is borne out by yesterday's figure, wherein the FIIs were net buyers in Indian market rather than net sellers. So just to tell you that still the attractiveness of Indian market has not gone. And LTCG is hardly an issue there. It is only the global scenario which is creating this. चलिए, खैर ये तो नहीं कह सकते कि LTCG is hardly an issue, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो global recovery हुई है वो इंडियन मार्केट्स में भी देखने को मिल रही है। एक बार जल्दी से देख लेते हैं मार्केट में, देखिए जो गेनर्स है ना इसमें, बजाज फाइनेंस अच्छा चल रहा है, 4.5% ऊपर है, ICICI बैंक है जो कि 1.5% ऊपर है, आयशर मोटर्स, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, टाटा स्टील,
भारतीय एयरटेल, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर मजबूती देखने को मिल रही है। अब सिद्धार्थ भी हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ, ये जो काउंटर्स जहां पर मजबूती देखने को मिल रही है, इसमें इन लेवल्स पर वैल्यूएशन को देखना चाहिए या फिर थोड़ा वेट करना चाहिए? देखिए, वैल्यूएशन डेफिनेटली देखना चाहिए क्योंकि फ्रॉथी वैल्यूएशंस के कारण भी एक करेक्शन जरूर एंटिसिपेटेड था जो अभी हम देख रहे हैं। तो वैल्यूएशन एक बहुत अहम मुद्दा है स्टॉक्स को परचेज करने के लिए, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से जो लिस्ट आपने कही, इनमें से कुछ एक कंपनी जरूर है जो बाय ऑन डिप्स के स्ट्रेटेजी पे आती है, जैसे कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। और जैसे हम जानते हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग में भी गवर्नमेंट का एक अच्छा थ्रस्ट है और बजट में भी इसका उल्लेख किया गया है, तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस एक अच्छी कंपनी है हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में अफोर्डेबल हाउसिंग के हिसाब से, ये बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी पे जरूर लेना चाहिए। बिल्कुल। खैर, जितने भी बड़े जानकारों से हमने बात की है उनका व्यू यही है कि भारतीय बाजार अट्रैक्टिव तो है, फंडामेंटल स्टोरी मजबूत है और इस तरह के करेक्शन से मार्केट से थोड़ा फ्रॉथ भी निकल जाता है। इस पर बात करेंगे। एक बार आपको ल्यूपिन के नंबर्स बता देते हैं। जो कंसोलिडेटेड मुनाफा है वो 633 करोड़ है, जबकि जो मार्केट का अनुमान था वो था यहाँ पर उससे हल्का सा कम मुनाफा देखने को मिल रहा है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो है वो 4483 करोड़ से गिरकर 3977 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है और जो मुनाफा है वो 222 करोड़ है। कंसोलिडेटेड मुनाफा 633 करोड़ से गिरकर 222 करोड़ देखने को मिल रहा है। अब जो मार्केट का अनुमान था वो था 396 करोड़ के आसपास मुनाफा देखने को मिल सकता है। तो दोनों ही फ्रंट पर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है। फार्मा पर आपकी राय क्या है अजय इस समय? मेहर, ओवरऑल मल्टी ईयर अंडर परफॉर्मर रहा है फार्मा और सबसे बड़ी बात रही है कि यूएस से मार्जिन्स और यूएस से रेवेन्यू काफ़ी घट गए हैं कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी के कारण और ये जो अप्रूवल्स हैं एफडीए के वो काफ़ी डिलेड होके आ रहे हैं। बट मुझे लगता है इस साल में एक टर्न अराउंड आ सकता है फार्मा में, तो मैं फिर फार्मा में निवेश कर रहा हूँ। कॉन्ट्रेरियन तौर पे आईटी और फार्मा मेरे कॉल्स थे सितंबर से। आईटी तो अच्छा चल गया है, फार्मा थोड़ा चला और फिर हमने करेक्शन देखी है इस बारी रिजल्ट्स के पीछे। लगता है एक दो और तिमाही में फार्मा का भी टर्न अराउंड शुरू होगा फिर से, तो मैं थोड़ा पॉजिटिव हूँ कॉन्ट्रेरियन तौर पे फार्मा पे। बट ये ज़रूर देखिए कि प्राइस अर्निंग रेशियोज देख के निवेश करिए, दूसरा कि उसका डेट लेवल कितना है। काफ़ी फार्मा कंपनीज बहुत कर्जे के बोझ के तले हैं, तो उनको अवॉइड करिए जिसका कैश फ्लो अच्छा है। और साथ में एफडीए का जिसका 12-18 महीने हो चुका है अप्रूवल आने में, तो लगता है अगले 6-12 महीने में नॉर्मली फिर उनका रेजोल्यूशन आ जाता है, तो वो टर्न अराउंड केसेस हो सकते हैं फार्मा में। ल्यूपिन इस बीच 5% नीचे है। सुमित, कितनी वीकनेस दिख रही है ल्यूपिन पर आपको? 800 के नीचे अगर चला जाता है मेरी है तो फिर ये बड़ा वीकनेस दिखा सकता है, क्योंकि इसने पहले 820 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट लिया था और वहाँ से इसने बहुत अच्छा मूव दिखाया था, उसको देखते हुए लग रहा था कि शायद तेजी स्टार्ट होगी। बट आज का जो मूव है वो ये शो कर रहा है कि अगर 800 का लेवल इसने तोड़ दिया स्टॉक ने, तो फिर ये करीब करीब 80 पॉइंट की करेक्शन और दिखा सकता है। 800 के नीचे क्लोजिंग आ गई तो फिर आप मान के चले 720-730 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर यहीं से घूम जाता है स्टॉक तब तो ये वापस से पूरी की पूरी रैली रिबाउंड करेगा, तो फ्रेश सेलिंग के लिए थोड़ा सा वेट करें, 800 का लेवल टूटने के बाद ही करनी है। एग्जिस्टिंग लॉन्ग एक बार होल्ड करें और अगर यहां से स्टॉक में रिबाउंड मिल गया तो फिर हमको अच्छा मूव मिलेगा। बिल्कुल, तो उसमें अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन इस गिरावट पर कुछ बड़े निवेशक उन्होंने ट्वीट भी किया है, तो एक बार देख लेते हैं कि उनके ट्वीट्स क्या कहते हैं। आनंद महिंद्रा जो कि चेयरमैन है महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के, उन्होंने ये कहा है कि भारतीय बाजारों में जो गिरावट देखने को मिल रही है वो ग्लोबल मार्केट्स के सेल ऑफ से है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बाजार में इनफैक्ट निचले लेवल्स पर खरीदारी के अच्छे मौके हैं। सो आनंद महिंद्रा एक टिपिकल फंड मैनेजर की तरह यहाँ पर बात करते हुए, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय इकोनॉमी जो है वो बेहतर स्थिति में है, तो इस पर आपको नज़र रखनी चाहिए। दूसरी तरफ शंकर शर्मा, जिन्होंने 2008 के मेल्टडाउन का भी पहले ही आगाज दे दिया था,
उनका ये कहना है कि वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इस बार मार्केट में जो मेल्टडाउन देखने को मिल रहा है वो 2008 जैसा नहीं है, यानी 2008 जैसी कोई क्राइसिस नहीं है। मार्केट्स ओवरवैल्यूड थे और ऊपरी स्तरों से करेक्शन होना लाजमी था और वही करेक्शन फिलहाल मार्केट में देखने को मिल रहा है, लेकिन ये 2008 के जैसा नहीं है। इमर्जिंग मार्केट्स जो हैं उसमें बुल मार्केट अभी भी इंटैक्ट है, वो उन्होंने कहा है। लेकिन जो गिरावट आज मार्केट में देखने को मिली, इसमें कई बड़े निवेशक हैं जिनके पोर्टफोलियोज में आज काफ़ी उठापटक हुई है। तो संदीप मेरे साथ मौजूद हैं ये बताने के लिए कि राकेश झुनझुनवाला और डॉली खन्ना, इनके पोर्टफोलियो में कितनी उठापटक हुई है, बताइए संदीप। शुक्रिया मेरे। देखिए, बजट के बाद बाजार में हमने काफ़ी ज़्यादा उठापटक देखी और बड़ा करेक्शन आया भी है। तो ना केवल जो छोटे निवेशक, जो रिटेल निवेशक हैं, उनका जो पोर्टफोलियो या तो फिर उनके जो पैसे हैं उसमें कमी देखने को मिली है। जो बाजार के दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं, जिसमें राकेश झुनझुनवाला की बात कीजिए, बिग बुल हैं, इसके अलावा डॉली खन्ना, इनके पोर्टफोलियो में देखें, अगर आप बजट के बाद से ही देखें यानी कि 31 जनवरी क्लोजिंग से अब तक देखें, तो औसतन 11% ज़्यादा का डेंट इनके पोर्टफोलियो में भी देखने को मिला है। ये राकेश झुनझुनवाला की होल्डिंग्स है जो कि बजट से पहले थी, यानी कि 31 जनवरी की क्लोजिंग की वैल्यू है, और ये मौजूदा वैल्यू है जो कि करीब 7,500 करोड़ रुपए के आसपास की है। कुल मिला के अगर आप देखें, जो 6 दिन बीते हैं फरवरी महीने में ही, उसमें करीब करीब 1,000 करोड़ रुपए के आसपास का जो नुकसान है इनके पोर्टफोलियो में देखने को मिला है, यानी कि कुल मिला के करीब 12.5% के आसपास की जो कैपिटल इरोजन है राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में देखने को मिली है। ये उनकी कुछ होल्डिंग्स हैं जो कि आपके सामने हैं, और सबसे ज़्यादा नुकसान टाइटन, यही स्टॉक है जिसमें देखने को मिला करीब 800 करोड़ रुपए के आसपास की कमी यहाँ पर इनकी जो निवेश वैल्यू उसमें देखने को मिली। इसके अलावा औरबिंदो फार्मा सबसे नीचे है, जहाँ पे करीब 21 करोड़ रुपए के आसपास की कमी देखने को मिली है। नेट नेट करीब करीब 1,000 करोड़ रुपए के आसपास की जो हिट है वो राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में महज बजट के बाद से अब तक देखें तो वो देखने को मिली है। इसी तरह जो दूसरी निवेशक हैं डॉली खन्ना, उनके पोर्टफोलियो की भी बात करें तो उसमें भी करीब 11.5% के आसपास का हिट देखने को मिला है। कुल वैल्यू अगर आप देखें, बजट से पहले 700 करोड़ रुपए के आसपास की थी, वो घटकर अब करीब 600 करोड़ रुपए के आसपास होगी, यानी कि करीब करीब 85 करोड़ रुपए के आसपास का जो नुकसान है इनको भी देखने को मिला है। 11.5% के आसपास की कमी इनके जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है उसमें देखने को मिली है। बजट के बाद से अगर आप देखें, जो 3-4 दिन का जो ट्रेड हुआ है मार्केट में, उसमें देखने को मिली है। इनके पोर्टफोलियो में अगर आप डालें तो रेन इंडस्ट्री सबसे ऊपर है, जिसमें करीब 22.5 करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान हुआ है। इसके अलावा GNFC, नौसिल, थिरुमलाई केमिकल और टाटा मेटेलिक जैसे शेयर हैं, जहां पे करीब 3 करोड़ रुपए के आसपास का घाटा इनको हुआ है। तो कुल मिला के देखा जाए, छोटे निवेशक भी प्रभावित हुए हैं जो मार्केट में गिरावट आई, लेकिन जो बड़े निवेशक है डॉली खन्ना, राकेश झुनझुनवाला जैसे भी, उनके पोर्टफोलियो में अगर आप देखें तो बजट के बाद से अब तक करीब करीब 11% के आसपास की हिट ले चुके हैं। बिल्कुल, चलिए, तो ये तो खैर बड़े निवेशकों का पोर्टफोलियो है, लेकिन जो आम निवेशक हैं उनके पोर्टफोलियो में फिलहाल क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये भी देख लेते हैं। जो गिरावट है मिडकैप इंडेक्स में अब भी 0.25% के आसपास की बनी हुई है। सिद्धार्थ, आपने कोई पिक्स रेकमेंड की क्या इस फॉल के बाद? जी बिल्कुल, हमने एक सूची भी जारी की थी जहां पे 5-6 कंपनियां हमने रेकमेंड की है हमारे इन्वेस्टर्स को कि फॉल पे ये सारी कंपनियों पे अक्यूमुलेशन स्ट्रेटेजी कर सकते हैं। उसमें से एक कंपनी कोचिन शिपयार्ड है। हम मानते हैं कि कोचिन शिपयार्ड काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में इंडसइंड बैंक है, साथ ही साथ आईटी स्पेस में टाटा एलेक्सी है, जिसे हम मानते हैं कि आईटी स्पेस में इम्यूनिटी दे सकता है, एक सेफ हार्बर दे सकता है, तो टाटा एलेक्सी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। स्पेशलिटी केमिकल में दीपक नाइट्राइट होगा, हम मानते हैं कि दीपक नाइट्राइट भी यहाँ से बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बिल्कुल विजय, आपने मिड कैप में जो गिरावट हुई है, एक बार मिड कैप लूजर्स की सूची देखते हैं। जैसे वक्रांगी आज भी 10% नीचे है, सीएट, आरकॉम, आईडीबीआई, यूनाइटेड ब्रूरीज 4.5% नीचे है, ईडीजी ग्रुप के तो सारे ही स्टॉक्स नुकसान में है, जीएमआर करीब 3.5% नीचे है। अब जो इस तरह का फॉल होता है उसकी एक अच्छी चीज़ ये होती है कि ये बिटवीन मेन एंड बॉयज़ का जो डिफ्रेंसिएशन होता है मिड कैप में या फिर स्मॉल कैप में, वो बहुत तेज़ी से कर देता है। तो आपने खरीदारी की सलाह दी कहीं मिड कैप में? देखिए, जो हमने बाइंग की सलाह दी वो डीएलएफ में थी। हमने सलाह दी बीईएमएल में, निचले स्तरों पे हमने कुछ बाइंग की सलाह दी कस्टमर्स को। उसके अलावा आईआरबी में भी आज हमने 205-206 के लगभग कुछ रिकमेंडेशंस दिया था। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मेन और बॉयज़ के बीच में फ़र्क आ जाता है। एक और बात मैं कहना चाहूँगा मिहिर, जब मार्केट में इस तरह की गिरावट आती है, फ्लैश सेल लगती है, तो इट्स बेटर टू बी विद द फ्रंट लाइन। तो मैं कहूँगा, यू नो, इफ़ यू गेट स्टॉक्स लाइक टाटा मोटर्स, जो कि आपको आज लगभग 357 रुपये का लो लगाया, 360-370 के लगभग मिले, तो मुझे लगता है कि ऐसे स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन चालू करना चाहिए। और मुझे नहीं मालूम, शायद थोड़ी सी और गिरावट देखने को मिले तो वहाँ पर और बाइंग कर जा सकती है। तो लार्ज कैप्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर है। एलएनटी
आज आपको काफ़ी निचले स्तरों पर मिल रहा था। ऐसे ही जो दिग्गज बैंक हैं या दिक्कत दूसरी कंपनीज हैं तो वो वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ के बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि लार्ज कैप सबसे पहले वापस आते हैं और कई बार ऐसा होता है कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ऐसी गिरावट में प्रेशर में रह जाते हैं। तो आई वुड प्रेफर कि लार्ज कैप्स या बड़े मिड कैप्स में ही रहा जाए। एक बार जो कैश के गेनर्स हैं उनको देखते हैं। इसमें कुछ एक काउंटर्स हैं जो अच्छी वॉल्यूम्स के साथ चल रहे हैं, उस पर एक बार नजर डालते हैं। एक तो जमुना ऑटो, ये करीब 8% ऊपर है। मैस्टेक और एक काउंटर है जो कि करीब 5.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। बजाज फाइनेंस तो है ही, आज वो भी परसेंटेज गेनर्स की लिस्ट में भी शामिल है बिकॉज देर आर सो फ्यू ऑफ देम। बॉम्बे डाइंग है जो कि 4% ऊपर है, लेकिन काफ़ी अच्छी वॉल्यूम्स के साथ ये आज भी बाइंग देख रहा है। और बजाज इलेक्ट्रिकल्स और एक काउंटर है जो कि 4% ऊपर है। VIP इंडस्ट्रीज ये और एक काउंटर है जो कि करीब 3.5-4% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। सुमित, इसमें से कोई ट्रेड आप रेकमेंड करेंगे? वेल मीर, देखिए बहुत सारे काउंटर्स के अंदर एक अपसाइड मूव हमको देखने को मिल रहा है। आई थिंक ये VIP और बजाज इलेक्ट्रिक, ये दो काउंटर के अंदर प्रेजेंट लेवल्स पे एक ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। स्टॉक्स के अंदर एक अच्छा खासा हमको मूव भी देखने को मिला है पिछले कई महीनों में, और ये स्टॉक अभी लोअर लेवल से सपोर्ट लेके वापस अपसाइड मूव दिखा रहा है। 449 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। बजाज इलेक्ट्रिक की अगर हम बात करते हैं तो ये स्टॉक यहाँ से इमीडिएटली ऊपर के अंदर हमें 498 से 500 तक के लेवल्स दिखा सकता है। दूसरी तरफ VIP काउंटर एक हमेशा से अच्छा काउंटर रहा है। VIP के अंदर एक अच्छा मूव हमको तेजी की तरफ देखने को मिला, और ये स्टॉक अभी जो गिरावट आई है मार्केट्स के अंदर उसके अंदर कुछ खास गिरावट इसने दिखाया भी नहीं है। ऊपरी लेवल से दबाव जरूर देखा हमने, बट कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली जिस तरह से बाकी सेक्टर के या बाकी स्टॉक्स के अंदर हमको देखने को मिली है। तो VIP के अंदर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चलना चाहिए, और प्रेजेंट लेवल्स पे फ्रेश बाइंग की सलाह भी बन रही है इसके अंदर, क्योंकि इसने आज लास्ट 5 दिनों का कैंडल को एक ही दिन में एंगल्फ कर दिया है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन फॉर दिस स्टॉक। 353 के आसपास के भाव चल रहे हैं अभी, यहाँ से इमीडिएटली हमें ऊपर में 370 और शायद हो सकता है 390 तक के लेवल्स भी आने वाले दिनों में देखने को मिले। तो एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन इसमें होल्ड करें और फ्रेश बाइंग की भी सलाह रहेगी। बिल्कुल, देखिए जो बड़ा ट्रिगर है मार्केट के लिए वो है कल की RBI की क्रेडिट पॉलिसी। आज से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक शुरू हुई है। सवाल ये नहीं है कि RBI ब्याज की दरें घटाएगा या नहीं घटाएगा, सवाल तो ये है कि RBI ब्याज की दरें कब बढ़ाएगा, और कल की जो कमेंट्री है वो कितनी हॉकेश होगी, खासकर बजट में जो फिस्कल स्लिपेज सरकार ने लिया है उसके बाद, और ये जो महंगाई बढ़ने की आशंका है उसके बाद। तो जो बड़े बड़े बैंकर्स हैं मार्केट के दिग्गज हैं, एक बार सुनते हैं उनका व्यू क्या है। इंटरेस्ट रेट मेरे ख्याल से यहाँ से इंटरेस्ट रेट्स कम होना मुश्किल है, क्योंकि अब यू नो वील हैव टू वॉच इन्फ्लेशन, वील हैव टू वॉच द लिक्विडिटी पोजिशन एंड सो ऑन। सो यहाँ से इंटरेस्ट रेट्स अब कम होना मुश्किल है, ग्रेजुअली एक्चुअली इंटरेस्ट रेट्स बढ़ सकते हैं। We are at the bottom of the interest rate cycle, but I also said at that time for the next 3 to 6 months I don't see rates going up. And now I would say that for the next 3 months, I don't see rates going up. जहाँ तक मेरा सोचना है, in the near term, interest rate कम होने की संभावना कम है, क्योंकि अभी जो बजट में भी fiscal deficit थोड़ा बढ़ा है, 3.5% हुआ है, और अभी inflation भी करीब करीब जो level पे चाहिए वहीं चल रहा है, तो I don't think there is too much room for reduction in interest rate, so I will not be expecting it in the short term. में कम होने की गुंजाइश अब थी नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन भी बढ़ गया है, तो मैं समझता हूँ कि इंटरेस्ट रेट्स जैसे है वैसे ही रहेंगे। रेट कट देखिए ये होगा नहीं होगा, किस किस प्रारूप में आएगा ये RBI ही डिसाइड करेगी, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि परिस्थितियों को देखते हुए रेट कट की संभावना कम ही लग। ओवरऑल द यील्ड मूवमेंट ऑन बॉन्ड मार्केट आई थिंक शुड रिमेन मोर इन नैरो रेंज अबाउट 5-10 बेसिस पॉइंट फ्रॉम हियर प्लस आर माइनस फ्रॉम द करंट लेवल, सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टू मच ऑफ अपवर्ड मूवमेंट ऑन इंटरेस्ट रेट्स। खैर चले, ये तो कोई नहीं मान रहा है कि ब्याज के दरों में बढ़ोतरी होगी, लेकिन कल की पॉलिसी की जो कमेंट्री है वो देखनी होगी। अजय, अब देखिए ये तो खैर आउट ऑफ क्वेश्चन था कि कटौती कितनी होगी, बढ़ोतरी कब होगी, कितनी होगी, इसे लेकर मार्केट को डर है। नाउ कल अगर RBI की पॉलिसी में हॉकिश कमेंट्री आती है बड़ी, और साथ ही
ये इंडिकेशन मिलता है कि आरबीआई एट सम पॉइंट इस कैलेंडर ईयर में एक या दो रेट हाइक कर सकता है, क्या इसके लिए मार्केट तैयार है क्या इस समय? अजय हाँ जी मिहिर, मेरे से था क्वेश्चन जी। हाँ तो देखिए मार्केट ये ओवरऑल फैक्टर इन कर रहा है कि सेकेंड हाफ में मॉनसून के बाद आरबीआई रेट हाइक कर सकता है अगर इन्फ्लेशन बनी रहती है इन स्तरों पर, तो ये फैक्टर्ड इन है। बॉन्ड प्राइसेस में भी फैक्टर्ड इन है, बट अगर दो हाइक्स की बात होती है इसी साल में तो वो फैक्टर्ड इन नहीं है, तो थोड़ा रिएक्शन हो सकता है 8% की तरफ, 10 ईयर मूव कर सकता है ओवर टाइम, बट ओवरऑल काफ़ी हद तक फैक्टर्ड इन है कि हॉकिश रहेंगे इन्फ्लेशन पे, उनका फोकस रहेगा, ऑयल प्राइस और फिस्कल स्लिपेज, ये चार मुद्दे रहेंगे। बैंक्रप्सी प्रोसेस शुरू हो गया, रिकैप बॉन्ड्स और बैंक के एनपीए लगभग अब समतल हो रहे हैं, स्लिपेजेस कम हो रही हैं, ये पॉजिटिव्स रहेंगे कल की पॉलिसी में। बिल्कुल, इस बीच 170 पॉइंट्स नीचे है निफ्टी और सेंसेक्स 568 पॉइंट नीचे है, यानी कोशिश कर रहा है निफ्टी किसी तरह की जो 10,500 का लेवल है उसे डिफेंड हो, और क्लोजिंग बेसिस पर अगर ये 10,500 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो जो हमने जी बिजनेस व्यू में भी आपके सामने बात रखी थी कि 10,500 के आसपास सपोर्ट है, लेकिन टिपिकली इस तरह के बाज़ार में जो होता है कि या तो वो उससे पहले ही घूम जाता है और या तो फिर उसके भी नीचे जाकर एक लेवल हिट करता है, हो सकता है वैसा ही इस बार भी हो, लेकिन इस समय सुमित समझिए 10,500 के आसपास की ही क्लोजिंग आ जाती है, तो फिर कल के लिए ट्रेड क्या रखें? बिकॉज डाउ जोन्स में तो रिकवरी हुई है और ठीक ठाक ही हुई है। मेरी रात को भी देखना पड़ेगा किस तरह से मार्केट बिहेव करते हैं, क्योंकि लास्ट दो दिनों में मैंने यही देखा है कि लास्ट के एक घंटे में अपने यहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलती है और फिर रातों रात ग्लोबली कुछ सेल ऑफ देखने को मिलता है और फिर नेक्स्ट डे हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है। लास्ट तीन दिन का ट्रेंड कंटिन्यूसली ऐसा रहा है, बट आज जो मूव देखने को मिल रहा है दैट इज़ अ स्मार्ट रिकवरी। मुझे लगता नहीं कि अब वापस यहाँ से कोई अच्छा सेल ऑफ देखने को मिलना चाहिए, इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा पुल बैक ज़रूर ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। तो आपने जो बोला कि अगर 10,500 या 10,500 के ऊपर क्लोज है तो वो सबसे पहला पॉजिटिव साइन होगा निफ्टी के लिए, यहां से फिर हमें ऊपर में 10,600 से 10,650 तक का पुलबैक मूव हमें देखने को मिल सकता है और 10,700 टूटने के बाद हमें फ्रेश अपसाइड तेजी वापस से स्टार्ट होगी। अगर यहीं पे क्लोज देता है तो 100-125 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगा के निफ्टी में बाइंग में रहना चाहिए 10,650 के या 700 तक के टारगेट के लिए। बिल्कुल अजय, आपसे आखिरी सवाल होगा, अब आपने क्योंकि हमने बजट के पहले से जो थोड़ा बहुत ड्रॉप मार्केट में देखा तो 11,200 से लेकर ऑलरेडी आज 10,300 तक तो चला ही गया था निफ्टी, यानी ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट्स का ड्रॉप। अब भले ही थोड़ी बहुत रिकवरी दिखाई हो लेकिन टाइमिंग वाइज या फिर वैल्यू वाइज ये सही टाइमिंग है क्या वैल्यू ढूंढने के लिए मार्केट में, या थोड़ा रुके अभी? थोड़ा रुक सकते हैं मिहिर, क्योंकि ग्लोबल का पता नहीं चल रहा। अब कल भी यूएस मार्केट क्यों इतनी तीव्रता से गिरा, इन्फ्लेशन का तो इशू ठीक था फरवरी फ्राइडे को, बट ये जो फॉलो ऑन सेलिंग आई उससे थोड़ा पूरे ग्लोबल मार्केट्स डाउन हुए और उसके चलते हम भी चपेट में आए। तो मैं कहूँगा ठीक है, अगर आपका 3-5 साल के पोर्टफोलियो के लिए कुछ खरीदना है तो उसके लिए कोई टाइम ज़रूरी नहीं है, कभी भी आप खरीद सकते हैं, अभी भी खरीद सकते हैं, बट ओवरऑल एक हफ्ता रुक जाते हैं, थोड़ा सा इसमें ठहराव आ जाए ग्लोबल मार्केट्स में, तब फिर से एक नज़र डाल सकते हैं कहाँ पे नया निवेश करना है। स्पेशली स्मॉल कैप मिड कैप की जो बिकवाली थी वो बजट से पहले भी थी और अभी भी कंटिन्यूड है, तो उसमें स्पेशली मैं कहूँगा कि थोड़ा ठहराव कर सकते हैं। ऑफकोर्स अगर 3-5 साल आप 10 साल के निवेशक हैं तो कभी भी खरीदिए, टाइमिंग कभी आप बॉटम या टॉप तो मार्केट का पकड़ नहीं सकते, तो वो ओवर इवन आउट हो जाएगा, बट आम निवेशक के लिए मैं कहूँगा एक हफ्ता हम रुक सकते हैं, थोड़ा ये यूएस मार्केट ठहराव में आ जाए। बिल्कुल, चलिए अजय शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। निफ्टी है करीब 175 पॉइंट नीचे, तो हो सकता है कि ये 10,500 के नीचे क्लोजिंग दे दे, पर ठीक है रिकवरी जो दिखाई है मार्केट ने वो ठीक ही है
और सेंसेक्स ये भी इस समय जो इसने रिकवरी के बाद का एक लेवल हिट किया था वहाँ से थोड़ा बहुत हल्का ज़रूर हुआ है, करीब 600 पॉइंट नीचे इस समय है, लेकिन 34,521 तक सेंसेक्स भी गया था और निफ्टी इनफैक्ट 10,594 तक गया था। सिद्धार्थ, ये जो इनफैक्ट आज अगर आप देखें तो जो BFSI स्पेस है उसने स्मार्ट रिकवरी दिखाई है कुछ एक स्टॉक्स में, आपने निफ्टी बैंक में या फिर उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसमें कोई सलाह दी आज? जी बिल्कुल, जैसे कि इंडसइंड बैंक है प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में, हम मानते हैं कि यहाँ पे एक बहुत अच्छी रिकवरी आ सकती है। हालांकि स्टॉक में गिरावट बहुत बड़ी देखने नहीं मिली है, नतीजे भी ठीक ठाक थे, तो इंडसइंड बैंक पे आप खरीद के चल सकते हैं। दूसरा एक गिरावट वाली कंपनी फेडरल बैंक हो सकती है। हम मानते हैं कि फेडरल बैंक पर जिस हिसाब से गिरावट आई है, मैं मानता हूं कि RBI का हॉकिश स्टैंस जो आना आ सकता है उसका भी बहुत हद तक एक डिस्काउंटेड हो चुका है। फेडरल बैंक यहां से एक अच्छा रिकवरी दे सकता है करीबन 120-125 के टारगेट से। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि रिकवरी है मार्केट में और US में भी रिकवरी देखने को मिल रही है तो उम्मीद ये की जा सकती है कि कल मार्केट्स थोड़े से स्टेडी रहेंगे, और अगर ये स्टेडी रहने वाले हैं तो फिर आप BTST कॉल्स कौन सी ले सकते हैं ये जान लेते हैं। तानिया हमारे साथ हैं, तानिया बताइए। जी शुक्रिया मिहिर, आज मिक्स कॉल्स हैं, तीन बिकवाली की तो वही तीन खरीदारी की भी कॉल्स आई हैं हमारे पास। सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं आशीष कयाल के रेकमेंडेशंस की, उनकी तरफ से दो बिकवाली की ही कॉल्स हैं। सबसे पहले BEML में वो बिकवाली की सलाह दे रहे हैं, 1140 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं कल के सत्र में, और स्टॉप लॉस आप लगाइए 1270 का। इसके अलावा गोदरेज कंज्यूमर्स, यहाँ पर भी वो बिकवाली की ही सलाह दे रहे हैं, टारगेट्स आप देख सकते हैं 970 के, स्टॉप लॉस लगाइए 1030 का। इसके अलावा मनीष मिश्रा से भी हमने बातचीत की, इनकी तरफ से भी दो कॉल्स हैं। सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा में वो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, टारगेट्स बता रहे हैं 162 के, स्टॉप लॉस आप लगाइए 153 का। इसके अलावा टेक महिंद्रा, इसमें ये बिकवाली की सलाह दे रहे हैं, टारगेट्स आप देख सकते हैं 590 के, स्टॉप लॉस लगाइए 620 का। निरुण बैंक के रिकमेंडेशंस की बात करें तो उनकी तरफ से दो BTST पिक्स हैं। सबसे पहले खरीदारी की सलाह दे रहे हैं वो सन फार्मा में, इसमें टारगेट्स देख सकते हैं 570 के, स्टॉप लॉस लगाइए 542 का। इनकी जो दूसरी पिक है वो पावर ग्रिड है, इसमें आप टारगेट्स देख सकते हैं 202 के लेवल्स के, तो वही स्टॉप लॉस आप लगाइए 191 का। ऑलराइट, आप इसमें कोई कॉल्स ऐड करना चाहेंगे क्या सुमित? मेरे बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सबसे पहला काउंटर ITC को ले लेते हैं। ITC बिल्कुल भी नहीं गिरा लास्ट तीन दिनों में और ITC ने एक अपना प्राइस मेंटेन रखा है प्रेजेंट लेवल्स के आसपास, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक के अंदर एक तेजी का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 265 के आसपास का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है और ऊपर के अंदर हमें 285-290 के लेवल्स ITC के अंदर देखने को मिल सकते हैं, तो ITC के अंदर बाय करके काम किया जा सकता है। इनफैक्ट ITC ने, अगर विजय आपको याद हो तो ITC ने 2008 के बाद भी जब पहली बार मार्केट ने एक रनअप दिया था उसमें ITC ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट भी किया था और टू सम एक्सटेंट लीड भी किया था। फिर से ITC उस पोजिशन में आपको दिख रहा है, एंड ना सिर्फ ITC बल्कि ITC HUL ये स्टॉक्स। फिर बिल्कुल ठीक बात बोला आपने, और HUL तो मुझे याद है कि एक साल में ही इसने लगभग डबल से भी ज़्यादा की का रास्ता तय किया था। बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है, 250, 260, 270 के लगभग। मुझे लगता है कि जिस तरह की स्ट्रेंथ कंपनी में है और जिस तरह के बिजनेसेस हैं, और इस बार बजट में भी कोई खास इनके लिए नेगेटिव खबर नहीं थी। जनरली सिगरेट्स पे एक्साइज ड्यूटी या सिन टैक्स की बात होती है, वैसा कुछ बात नहीं की गई। और ओवरऑल यदि हम देखें कि होटल बिजनेस हो, चाहे वो पेपर बिजनेस हो, फैशन बिजनेस हो, सिगरेट बिजनेस हो, तो सब में कहीं ना कहीं FMCG बिजनेस हो जो कि इनका काफ़ी मेजर पार्ट बन गया है बैलेंस शीट का, तो काफ़ी अच्छी कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है, ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो आई एम क्वाइट होपफुल कि ITC कैन बी द ब्लैक हॉर्स, और संभवतः आपको ये 300-350 के लगभग भी जाता दिखे और रैली को लीड करे। और नो डाउट एक्स्ट्रॉर्डनरी स्ट्रेंथ दिखाई है काउंटर ने इस पूरी गिरावट में। आज हालांकि रिलायंस अभी भी नेगेटिव है और TCS भी करीब 3.25% नीचे है। मारुति और एक काउंटर है जहां पर निशान अभी भी लाल ही बना हुआ है। सिद्धार्थ, इन तीनों में से अगर आपको कुछ पिक करना हो तो इन वैल्यूएशंस पर, वैसे तो तीनों ही फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग कंपनीज हैं, लेकिन इन वैल्यूएशंस पर अगर पिक करना हो तो आप कौन सा स्टॉक चुनेंगे?
देखिए दो मुद्दे हैं, पहला तो वैल्यूएशंस और डेफिनेटली दूसरा होगा ग्रोथ। तो ये दोनों ही मुकाबले में हम मानते हैं कि मारुति एक बेस्ट पिक हो सकता है ये तीनों में, क्योंकि ग्रोथ इंजन एकदम चालू है, आने वाले एक डेढ़ साल के प्रोडक्ट लॉन्चेस भी बहुत स्ट्रांग है। ये तीनों ही कंपनियों में रिलेटिवली अगर पिक करना हो तो मैं मानता हूँ मारुति बेस्ट बाय हो सकता है। बिल्कुल, इस बीच एक बार ल्यूपिन को देख लेते हैं। नतीजों के बाद काउंटर इस समय 6% के दबाव में है, नुकसान देखने को मिल रहा है, 799 का लेवल है। तो जो 800 का लेवल जिसकी बात हो रही थी उसके नीचे ल्यूपिन फिसल गया है इस समय और दिन के सबसे निचले लेवल पर है इस समय। तो ये तो 800 के नीचे चला गया सुमित, अगला टारगेट 750-720 तक के लेवल्स का फॉल देखने को मिल सकता है। क्यों ये फॉल देखने को मिल सकता है? क्योंकि लास्ट टाइम जो लुपिन ने मूव दिखाया था वो करीब करीब आप माने कि 810-820 के लेवल से इसने तेजी दिखाई थी और ऊपर में ये स्टॉक ने 950 तक का मूव हमको दिखाया था। तो करीब करीब 100-150 पॉइंट का मूव दिखा के अब उसने लोज ब्रेक किए हैं, तो ये सेम मूव नीचे हमको देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल इमीडिएटली अगर 800 के नीचे आज क्लोजिंग देखने को मिलती है तो 750-720 तो इमीडिएट टारगेट होगा, 80 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिल सकता है, 800 के नीचे क्लोजिंग रिक्वायर्ड है। बिल्कुल, इस बीच हमने इस गिरावट में आपके लिए कई पिक्स भी खरीदने की कोशिश की है। तो हमारे साथ दिलीप भट्ट जुड़े थे, उनसे हमने जाना कि फिलहाल इस गिरावट में मार्केट में कहां खरीदारी की जा सकती है। एक बार सुनते हैं उनकी पिक्स कौन सी है। मुझे लगता है एक्सिस बैंक में जरूर ध्यान देना चाहिए, एक्सिस बैंक एक अच्छा लगता है। और सेकेंड इज इवन कोटक बैंक में भी ध्यान देना चाहिए। नाउ नीडलेस टू से कि HDFC बैंक तो कभी भी सबका एवरग्रीन रहेगा ही, तो किसी को कहां पर भी कंफर्ट होता है तो HDFC बैंक वो कभी भी ले सकते हैं आप। लेकिन एक्सिस बैंक और ICICI बैंक और कोटक बैंक लग रहा है कि शायद यहां पर से अच्छे रिटर्न देंगे। और जहां तक PSU का सवाल है, एक ध्यान में रखना चाहिए कि सम फ्रंट बैंक्स लाइक SBI कैन गिव अ रीजनेबली गुड रिटर्न्स। और NBFC स्पेस में मुझे लगता है समथिंग लाइक बजाज फाइनेंस और महिंद्रा फाइनेंस शुड बी लुक्ड इनटू। कल के लिए आपका निफ्टी बैंक पर व्यू क्या बैठ रहा है सुमित? जो RBI की पॉलिसी है वो अपने आप में एक बड़ा ट्रिगर होगा, तो कल हो सकता है कि ग्लोबल मार्केट से जो हैंडओवर मिले भारतीय बाजारों को वो अच्छा मिले, लेकिन डोमेस्टिक ट्रिगर फिर से एक बार हावी हो, खासकर RBI की पॉलिसी। तो निफ्टी बैंक पर प्ले कैसे करें? शायद हो सकता है ऐसा हो, बट ओवरऑल देखेंगे तो निफ्टी बैंक ने भी पिछले कुछ दिनों में इतना बड़ा फॉल दिखा दिया है और अब ऐसा लगता है कि ये आज जो मूव दिखाया है वो सपोर्ट्स के आसपास से घूमते हुए हमको देखने को मिला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई वॉलिडिलिटी के चलते अगर डिप देखने को मिलती है तो वो बैंक निफ्टी के अंदर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से लेना चाहिए, क्योंकि अब जब तक ये दोबारा से नीचे में 25,400-25,500 ट्रेडिंग के लिहाज से और 25,200 पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से जब तक टूटता नहीं है तब तक इसके अंदर कोई फ्रेश दबाव हमको देखने को मिलेगा नहीं। आज मेरे को लगता है मोटा मोटी लोअर लेवल से जो रिकवरी दिखा रहा है, जो जिस हिसाब से कैंडल ने टेल छोड़ा है वो ये शो कर रहा है कि बाइंग डिमांड वापस से इमर्ज हो चुकी है, चाहे फिर वो इंडेक्स हो या फिर स्टॉक हो। जहाँ तक स्पेसिफिकली आपका बैंक निफ्टी का सवाल है, ऊपर में इमीडिएटली 26,200 और 26,400 तक के लेवल्स हमको बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो 25,700-25,800 ये सही लेवल्स है लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करने के लिए। बिल्कुल, इस बीच सुमित क्विकली एक बार बताइए आप, एक तो 10,500 की निफ्टी की कॉल और दूसरा 25,000 के लेवल की निफ्टी बैंक की कॉल, इन दोनों पर आज एक्टिविटी जिस तरह की रही है उससे क्या गेज कर रहे हैं आप? देखिए अभी लास्ट के आधे घंटे में जिस हिसाब से मूव देखने को मिला है वो यही शो कर रहा है कि मोमेंटम वापस बाइंग का आ चुका है। एक्चुअल डेटा मुझे क्लोजिंग के बाद देखने के बाद समझ में आएगा, बट फिलहाल जो मूवमेंट हमको देखने को मिल रहा है वो देख के ऐसा लग रहा है कि बाइंग इमर्ज हुई है। अब 10,500 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है तो वो पॉजिटिव साइन हो जाएंगे निफ्टी के लिए। और ओवरऑल टेक्निकल्स के ऊपर मैं जाता हूँ तो वो शो कर रहा है कि यहाँ से मोमेंटम अपसाइड ही मिलना चाहिए, तो मुझे मोटा मोटी तेजी का व्यू समझ में आ रहा है। वैसे आप देखिए जो 10,500 की कॉल थी ना उसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर अनवाइंडिंग अच्छी खासी हुई है आज, और ओपन इंटरेस्ट में ऑलमोस्ट 170% का इजाफा यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन अनवाइंडिंग आप देखिए यहाँ पर अच्छी खासी देखने को मिली है, ऑलमोस्ट 32% का ड्रॉप है यहाँ पर। सिमिलरली अगर आप 10,300 की पुट को देखेंगे तो 10,000
3300 की पुट जो है उसमें आज एडिशन देखने को मिला है, तेजी ठीक ठाक यहाँ पर देखने को मिली है। तो जो 10,300 की पुट है उसमें इनफैक्ट स्पाइक हुआ है और वहाँ पर भी जो ओपन इंटरेस्ट है इसमें 63% का इजाफा देखने को मिला है। तो हो सकता है कि मार्केट की जो रेंज है वो थोड़ा डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाए और 10,300, 10,500 या फिर एट द मोस्ट 10,200 से लेकर 10,500, 550 का एक दायरा है, इसमें मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करने की कोशिश करे। और अगर ये कंसोलिडेशन होता है तो वो एक तरीके से अच्छा ही होगा मार्केट के लिए। विजय, बिल्कुल, अगर मार्केट का रेंज नैरो होता है मिहिर तो मैं बहुत खुश हूँगा, क्योंकि जिस तरीके का फॉल हम देख रहे हैं, डाउ में 1600 पॉइंट कल गिरावट हुई, 1100 पे बंद हुआ, आज हमने देखा 1200 पॉइंट सेंसेक्स पे गिरावट थी, तो बहुत ज़्यादा वाइड रेंज अभी मार्केट ने बना दी है। मेरी समझ से जो करेक्शन पार्ट है वो काफ़ी हो भी चुका है, मिड कैप स्मॉल कैप तो हम पहले ही देख चुके, काफ़ी डैमेज हो गया और संभवतः करीब 40-50% की भी करेक्शन हम देख चुके हैं। लार्ज कैप्स में भी हमने आज और पिछले 2-3 सेशंस में देखा कि करेक्शन है। अगेन आई एम सेइंग कि ये इस पुल बैक को आप ये ना समझिए कि गिरावट ख़त्म हो गई है, बट हाँ, यदि मार्केट अपना रेंज थोड़ा नैरो कर लेता है और थोड़ा प्रिडिक्टेबल हो जाता है मार्केट, तो मुझे लगता है कंसोलिडेशन होने के पश्चात मार्केट से एक बार फिर से दोबारा से अपनी चाल चलेंगे ऊंचाई की ओर। बिल्कुल, एक बार रुपए को देख लेते हैं, बिकॉज आज जो रिकवरी हमने देखी इक्विटी मार्केट्स में भारत में जो देखने को मिली है, उसी के साथ साथ रुपए का जो रुझान है वो भी स्टेबलाइज हुआ। बिकॉज जब ओपन हुआ था मार्केट तब तो ये 25-30 पैसे का डैमेज देख रहा था, तो वहाँ से रिकवर करते करते अब मामूली सी 10 पैसे के आसपास की गिरावट बची है, 64.16 के आसपास रुपया इस समय ट्रेड कर रहा है। लेकिन रुपये की ट्रैजेक्टरी जिस तरह की फिलहाल दिख रही है, सिद्धार्थ, आपका आईटी स्टॉक्स पर व्यू क्या है इस समय, चाहे बड़े हों या फिर मिड कैप आईटी स्टॉक्स? देखिए, हमारा रुझान लग रहा है कि मिड कैप आईटी स्टॉक्स पे ज़्यादा अच्छा है। हम मानते हैं कि मिड कैप आईटी पे अच्छा रहेगा, हालांकि आप जो रुपए की बात कर रहे हैं, हम मानते हैं कि ये बहुत हद तक प्राइजिंग भी हो चुका है, नतीजों में भी दिखा है थोड़ा बहुत। अभी यहाँ से अगर वाइल्ड स्विंग रहता है तभी कुछ इम्पैक्ट आ सकता है। तो हैविंग सेड दैट, हम मानते हैं कि लार्ज कैप आईटी पे नहीं देख के, जहाँ पे रुपए का इम्पैक्ट कुछ ज़्यादा ही रहेगा, वहाँ पे जो कंपनियाँ डिजिटल स्पेस में है, मिड कैप स्पेस में है, उस पर ध्यान देना चाहेगा। उसमें से एक कंपनी मैं चुनना चाहूंगा, वो होगा टाटा एलेक्सी। डिजाइनिंग और ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग स्पेस में ड्राइवर लेस कार, ये सारे मुद्दों पे कंपनी अच्छा कर रही है, डिजिटल स्पेस में बहुत अच्छा ग्रोथ आ रहा है, टाटा एलेक्सी पे ध्यान जरूर दे सकते हैं 1250 के टारगेट से। बिल्कुल, चलिए, तो ये एक टाटा एलेक्सर ऐसा काउंटर है जिस पर आप नज़र रख सकते हैं इस समय। लेकिन मार्केट बंद होने में करीब 9 मिनट का समय बाकी है और 10,493 पर निफ्टी है, सेंसेक्स 570 पॉइंट नीचे है। एक बार वॉल्यूम्स को भी देख लेते हैं और साथ ही इस समय जो ताज़ा स्थिति है इंटरनेशनल क्यूज जो है वो भी एक बार देख लेते हैं, बिकॉज हमने देखा यूरोपियन मार्केट्स भी अब इसी ट्रैजेक्टरी में। तो भारतीय बाजार की ओपनिंग भले ही यूएस मार्केट्स को फॉलो करते हुए हुई हो, लेकिन जो क्लोजिंग हुई है इंडियन मार्केट्स की या फिर होने जा रही है, वो काफ़ी हद तक यूरोपियन क्यूज़ के आधार पर होने जा रही है। लेकिन एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, अगर आप पिछले 30-40 मिनट का ट्रेड देखें मार्केट में, तो जब हमने फाइनल ट्रेड शुरू किया था 2:30 बजे, तब से लेकर अभी तक मार्केट हल्का सा स्लिप हुआ है। और वो स्लिप इसलिए हुआ है क्योंकि डाउ फ्यूचर्स में जो रिकवरी देखने को मिल रही थी, जब हमने शो की शुरुआत की थी 2:30 बजे, तब डाउ फ्यूचर्स 150 पॉइंट ऊपर दिख रहे थे, लेकिन अब वो फिर से एक बार स्लिप हुए हैं और 50 पॉइंट्स का डैमेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो वो जो क्लियर लिंकेज और सेंसिटिविटी है फिलहाल डाउ के प्रति, वो इंडियन मार्केट्स में बहुत क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रही है और देखने को मिल रही है। लेकिन वॉल्यूम्स की हम बात करें तो एक बार देख लेते हैं, बिकॉज आज अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ मार्केट में ट्रेड हुआ है। तो अब 5,85,000 करोड़ का ट्रेड मार्केट में देखने को मिला है, ज़बरदस्त वॉल्यूम्स देखने को मिली है। मार्केट बंद होते होते ये आंकड़ा 6,00,000 करोड़ के भी पार जा सकता है। कल के लिए रेंज सुमित क्या बनती देख रहे हैं अब आप? तो लग तो यही रहा है कि 10,500 को ओबलाइज करने की कोशिश कर रहा है निफ्टी। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। तो लग तो रहा है कि 10,500 के आसपास ही एकदम डॉट बन दे रहा है। तो ये जो डेटा रीडिंग कर रहे हैं और जो प्योर टेक्निकल्स पे जा रहे हैं, दोनों को ये कंफ्यूज करेगा, क्योंकि 10,500 अगर ये प्रॉपर बॉर्डर लाइन पे क्लोज देता है तो वापस से लोगों को कन्फ्यूजन होगी कि यहाँ से तेजी करे कि मंदी करे। मेरे को ऐसा लगता है, मेरी रीडिंग, कि जिस हिसाब से मार्केट ने स्मार्ट रिकवरी दिया है लोअर लेवल से और लास्ट 3 दिन का जो फॉल दिया है,
विदाउट एनी बिग मेजर रीजन, ओनली बिकॉज ऑफ ग्लोबल सेल ऑफ, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि वापस से उतना ही स्पीड से खींचेगा मार्केट और इमीडिएटली ये प्रॉपर बॉर्डर लाइन पे बंद देने का मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ से तेजी का मूव दिखाना चाहिए। तो रेंज वैसे आपने जो पहले कहा वो थी 10,300 से 10,500, बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये 10,500 के ऊपर निकलेगा तो हमें ऊपर में 10,700 तक की रेंज शिफ्ट होते दिखाई देगी और नीचे में 10,400 का सपोर्ट बनेगा कल के लिए। तो 10,500 के ऊपर हमें 10,600, 650 और 700 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अब एक बार जल्दी मिड कैप के लूजर्स को देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो लूजर्स है ना, इसमें सिद्धार्थ, अब देखिए ये जो लूजर्स हैं इसमें प्रॉब्लम ये है कि कुछ एक तो मार्केट के साथ चले हैं, तो मार्केट के साथ गिरे, जब मिड कैप गिरा तो गिरे और जब मिड कैप में रिकवरी आई तो रिकवर भी हुए, बट देर आर सम स्टॉक्स। अब जैसे वक्रांगी है, इसको आप देखिए, वक्रांगी का वीकली चार्ट अगर आप देखेंगे तो आपको डर लगेगा देखकर। रिलायंस कम्युनिकेशन को देखिए, ये 6.5% नीचे है। यूनाइटेड ब्रूरीज, ADG ग्रुप के सारे स्टॉक्स इनफैक्ट, देन यू हैव स्टॉक्स लाइक GMR जो अभी भी 3.25% नीचे है। इन स्टॉक्स में क्या करें, बिकॉज वर्चुअली ऑन द डाउनवर्ड इसमें से कई स्टॉक्स हैं जो पिछले 7-8 सेशन में रीरेट हो गए हैं। देखिए ये जैसे कि वक्रांगी बोल रहे हैं या अरकॉम बोल रहे हैं, स्पेशली वक्रांगी जिसमें एक कंट्रोवर्सी भी है, कुछ सेबी का रेगुलेशन चल रहा है, ओवरऑल पर्सपेक्टिव से एक सॉफ्टनेस जरूर आ गया था ये सब कंपनियों पे। क्या यहाँ पे और गिरावट होती है तो इसे बॉटम फिशिंग करना चाहिए, ये क्वेश्चन है। मैं मानता हूँ कि इस पे बॉटम फिशिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा बाउंस बैक देने का मतलब ये नहीं है कि एवरीथिंग इज ओवर। आई थिंक यहाँ पे कंप्लेसेंट ना हो, और बार बार हम ये कह रहे हैं कि वॉचफुल रहना बहुत जरूरी है। ये फ्रॉथी स्टॉक्स पे बिल्कुल पोजीशन ना बनाएं, अवॉइड करें। यहाँ पे अगर आपको कुछ चुनना भी है तो प्योर क्वालिटी के साथ जाएं, जहां फंडामेंटली स्ट्रेंथ है, वैल्यूएशन स्ट्रांग है और जहां पे कुछ आउटलुक की उम्मीद है, वही कंपनियों पे दाव लगाए रादर देन एनी कंपनी जो भी 10-15% या नीचे आ गया है और उस पर बॉटम फिशिंग करे। बिल्कुल, इस बीच दिन के दौरान जब हैवी सेल ऑफ देखने को मिल रहा था तो हमने राहुल अरोरा से बात की थी, निर्मल बैंक के, उन्होंने कुछ पिक्स रेकमेंड की थी, लेकिन साथ ही ये भी कहा था कि सोच समझ कर खरीदारी कीजिए, अगर रिस्क एपेटाइट है तो ही खरीदारी करना चाहिए। इस समय सुनते हैं उनकी पिक्स कौन सी थी। इन ऑटोज वी लाइक आइशर एंड हीरो मोटोकॉर्प, वी लाइक बालकृष्ण इंडस्ट्रीज एंड VST टिलर्स, वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन डिस्क्रेशनरी, सो वी लाइक नेम्स लाइक जुबिलेंट फूडवर्क्स, वर्लपूल, IFB। In mid caps, we have recommended names like V-Mart and Moltec Technologies in the past. We continue to like them. One sector that's gone dramatically against me has been pharma, but main wahan pe faith banaye rakhna chahunga. Kyunki aapne dekha hoga Jubilant Foodworks ke saath kya hua tha, 750 se 1950 gaya, fir wapas 750 aa gaya aur aaj fir se 2000 pe hai. So if you don't hold that stock in that particular quarter, then your NAVs get hit quite substantially. To main usi bracket mein Dr. Reddy's ko dalta hoon. I've been a bull on it for a very long time. It has tested my patience. I'm almost getting frustrated. चलिए तो खैर ये पिक्स है, लेकिन बाजार बंद होने में करीब 3 मिनट का समय बाकी है और 141 पॉइंट नीचे निफ्टी 10,524 पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन पॉजिटिव साइड ये है कि 10,276 तक लुढ़कने के बाद वहाँ से 250 पॉइंट्स की रिकवरी देकर क्लोजिंग देना ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। 475 पॉइंट नीचे सेंसेक्स भी है जो कि करीब 0.25% नीचे है 34,283 के लेवल पर। तो अगर आप बाकी एशियन मार्केट से तुलना कर देखें या फिर यूरोपियन मार्केट से तुलना कर देखें तो इनफैक्ट आज की गिरावट में आपको इंडियन मार्केट में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, बिकॉज ज़्यादातर एशियन मार्केट्स जो कि बंद हो गए ऑलरेडी, वहाँ पर हमने देखा कि अच्छा खासा नुकसान देखने को मिला, 2.5 से लेकर 5% तक का कट हमने इन सारे ही मार्केट में देखा था, जबकि भारतीय बाजार क्लोजिंग बेसिस पर अगर हम देखें तो करीब 0.25% के आसपास की गिरावट के साथ बंद होंगे। तो क्लोजिंग होने जा रहा है, फटाफट से देखते हैं कौन से शेयर्स हैं जहाँ पर एक्शन देखने को मिल रहा है। तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों 0.25% नीचे इस समय ट्रेड करते हुए, और साथ ही निफ्टी बैंक को अगर हम देखें तो निफ्टी बैंक यहां पर देखने को मिल रहा है। मिड कैप इंडेक्स को देखते हैं, ये करीब 1.5% नीचे 19,411 का लेवल यहां पर इस समय देखने को मिल रहा है। ये सारे ही इंडाइसेस आपकी स्क्रीन पर, तो इंडाइसेस भले ही लाल निशान में बंद हो रहे हो लेकिन यहां पर रिकवरी देखने को मिली है। आज जिन काउंटर्स पर मजबूती देखने को मिली इसमें भूषण स्टील 15% ऊपर, मनाली पेट्रो और एक काउंटर है जो कि 9.5% ऊपर बंद होते हुए, JHS वैनगार्ड ये 5.5%, और साथ ही जमुना ऑटो ये काफ़ी अच्छी रिकवरी के साथ करीब 6.25% ऊपर बंद होते हुए
जो नुकसान वाले काउंटर्स रहे इसमें खैर नुकसान की तो सूची काफ़ी लंबी है, लेकिन कुछ एक काउंटर्स जो कि सबसे ज़्यादा नुकसान के साथ बंद हो रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर, इसमें आंध्रा शुगर है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, कामत होटल्स 15% नीचे बंद होते हुए, ये काउंटर्स हैं जो कि हैवी ड्रॉप के साथ बंद हो रहे हैं। नोएडा टोल ब्रिज और एक काउंटर है जो कि 9% नीचे, और वकरांगी यहाँ पर तो कॉन्स्टेंट लोअर फ्रीज, तो आज भी ये लोअर सर्किट पर था 10% नीचे, और साथ ही स्पेशलिटी रेस्टोरेंट ये काउंटर करीब 8.5% नीचे बंद होते हुए, पेनिनजुला लैंड और एक काउंटर है जहाँ पर करीब 9% का नुकसान देखने को मिला, टाटा मोटर्स है जो कि 5% नीचे बंद हो रहा है, और यहाँ पर रिजल्ट का इम्पैक्ट था, जो रिजल्ट थे उसे मार्केट ने बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली नहीं लिया, आज का दिन भी वैसा था। पीएनबी इनफैक्ट जिस तरह के नतीजे इसने पेश किए उसके बाद थोड़ा सीजन क्लोजिंग देते हुए 0.5% नीचे, लेकिन ल्यूपिन यहाँ पर अच्छा खासा पेन देखने को मिला। एनबीएफसी काउंटर्स जो थे इन्होंने इस रिकवरी को लीड किया, तो बजाज फाइनेंस ये निफ्टी का टॉप गेनर और यहाँ पर करीब 4% की मजबूती। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस भी काफ़ी फ्लैट हो गया जबकि खुला काफ़ी नीचे था। इसके अलावा और काउंटर्स यहाँ पर अच्छी मजबूती देखने को मिली, इसमें श्रीराम ट्रांसपोर्ट ये काउंटर है, लेकिन रियल एस्टेट यहाँ पर थ्रू आउट द डे पेन देखने को मिला और सारे ही रियल एस्टेट काउंटर्स करीब 6-5% के नुकसान के साथ यहाँ पर क्लोजिंग देते हुए। और कुछ काउंटर्स को देख लेते हैं जहाँ पर एक्शन था, इसमें पीएसयू बैंक्स, इसमें जो गिरने वाले बैंक्स थे इसमें आईडीबीआई बैंक सबसे ऊपर था, ये करीब 5% नीचे बंद होते हुए, और साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा ये करीब 1.5% नीचे, ओबीसी सिंडिकेट, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जहाँ पर नुकसान देखने को मिला। सिप्ला ये करीब 3.25% नीचे बंद होते हुए, तो क्लोजिंग हो चुकी है मार्केट की और 10,500 के ऊपर क्लोजिंग हुई है, 10,520 का लेवल यानी 145 पॉइंट नीचे क्लोजिंग होते हुए निफ्टी की, और सेंसेक्स 488 पॉइंट नीचे यानी करीब 1.5% नीचे ये भी बंद हुआ है, हालांकि एडजस्टमेंट के पहले की क्लोजिंग है। मिड कैप इंडेक्स ये 1.5% नीचे यानी 330 अंकों की गिरावट के साथ बंद होते हुए, निफ्टी बैंक ये महज 195 पॉइंट नीचे बंद हुआ है यानी 25,903 के लेवल पर ये बंद होते हुए। क्या कहेंगे आज की क्लोजिंग पर आप सुमित? सेम जैसे थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई, 500 के ऊपर क्लोजिंग मतलब अच्छी क्लोजिंग है, अच्छी मतलब आज के लिए अच्छी, ओवरऑल तो वैसे ही खराब है क्योंकि कल की क्लोजिंग से बहुत नीचे बंद दिया है मार्केट, बट आज जो क्लोजिंग दी वो ये संकेत कर रहा है कि पहले के जो फॉल है 3 दिन के उसको पॉज मिला है और अब यहाँ से एक अपसाइड मूव हमको देखने को मिलना चाहिए। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा, अब इमीडिएटली नई रेंज बनेगी निफ्टी के लिए 10,650 से 10,700 ऊपर में, और नीचे में 10,400-350 के आसपास के सपोर्ट बनेंगे। अगर इस बार 10,700 के ऊपर निफ्टी निकला तो वापस से हमको 11,000 की तरफ जाते हुए देखने को मिलेगा। मेरा कहीं ना कहीं कन्विक्शन है कि जिस हिसाब से हमको लास्ट 3 दिनों में मार्केट में फॉल मिला है उसी तरीके से हमको बहुत जल्दी मार्केट के अंदर ये फॉल का पूरा रिकवरी देखने को मिलेगा। तो फिलहाल बायस पॉजिटिव है, यहाँ पे बाई करते हैं तो 10,650-10,700 के इमीडिएट टारगेट होंगे निफ्टी के लिए। चलिए तो जो हम बात कर रहे थे ना, मार्केट ने वो ही किया है, एडजस्टमेंट के बाद एग्जैक्टली 10,498 पर बंद हुआ है, यानी ऑब्वियसली 10,500 के आसपास। अब ये दोनों तरफ के ट्रेड करने वालों को कंफ्यूज करेगा कि ये किस तरफ स्विंग कर सकता है, और ये सिर्फ कल के स्विंग की बात नहीं है, लेकिन क्या 10,300 की तरफ खिसक सकता है या 10,700 की तरफ, इसके लिए मार्केट विल कीप यू गेसिंग। 1.5% नीचे सेंसेक्स भी एडजस्टमेंट के बाद 34,195 पर, लेकिन एक बार आज ब्रेक लेने से पहले आपको इंट्राडे चार्ट दिखाना ज़रूरी है, बिकॉज मार्केट के आप पूरे दिन की रेंज देखिए। सेंसेक्स से शुरुआत करते हैं, सेंसेक्स खुला था 33,753 के लेवल पर, फिर ये फिसला 33,482 के लेवल पर, और 34,521 का हाई हिट करने के बाद 34,195 पर ये बंद हुआ है। और सिमिलरली निफ्टी को अगर आप देखें, ये खुला था इनफैक्ट 10,300 के भी नीचे, 10,295 पर ये खुला था और 10,276 तक फिसल गया था, उसके बाद इसने रिकवरी दी, 10,594 तक गया और फाइनली 10,498 पर ये सेटल हुआ है।